दोस्तों आपको शायद ये सुनकर यकीन ना हो कि क्या कोई 5,000 रुपए से 5.5 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। हमारे और आपके लिए ये चौंकाने वाला मसला हो सकता है, लेकिन देश के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला के लिए नहीं। मुंबई का छोटा घर, छोटे कॉलेज से पढ़ाई और ICI से जुड़कर राकेश झुंझुनवाला ने ऐसे बड़े बड़े कमाल किए कि लोग आज भी उसकी गुत्थी सुलझाने में दिन रात एक किए रहते हैं। राकेश झुंझुनवाला अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा के लिए लोगों के बीच रहेगी। उनका काम करने का ढंग और सोचने का तरीका हर कोई अपनाना चाहता है। दोस्तों झुंझुनवाला की कंपनी का नाम था रेयर एंटरप्राइजेज, जो कि उनके नाम और उनकी पत्नी के नाम को मिलकर बनी थी। आपने ये तो सुना होगा कि हर सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। राकेश झुंझुनवाला के साथ भी यही बात थी। इन दोनों की ये खास बॉन्डिंग सिर्फ कंपनी के नाम में ही नहीं बल्कि उनके काम में भी साफ झलकती थी। तभी तो इसका असर ये रहा कि 5,000 रुपए लेकर बिजनेस और स्टॉक का काम शुरू करने वाले 40,000 करोड़ रुपए की दौलत तक पहुंचे। आइए जानते हैं कि इनमें कैसे और किन बातों का फायदा मिला। आपने मल्टी बैगर स्टॉक का नाम तो सुना ही होगा। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो पेनी स्टॉक या छोटे शेयर से शुरू होते हैं, लेकिन लंबी अवधि में निवेश जारी रखा जाए तो आपके कुछ रुपये भी लाखों में बदल जाते हैं। राकेश झुंझुनवाला इस तरह के स्टॉक्स के मास्टर थे। अपने स्टॉक मार्केटिंग के दिनों में राकेश झुंझुनवाला ने एक साथ कई मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसे लगाए और लोग भी अक्सर उन्हीं स्टॉक्स को सुनते थे जिनमें राकेश झुंझुनवाला ने निवेश किया था। लोग झुंझुनवाला के मुंह से बस स्टॉक का नाम सुनना चाहते थे ताकि निवेश करके फायदे का रास्ता खोला जा सके। दोस्तों झुंझुनवाला जिस शेयर पर भी हाथ रख देते वो रॉकेट बन जाता। फॉर एग्जाम्पल 2003 में राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन कंपनी लिमिटेड को 3 रुपए की औसत कीमत पर खरीदा और वर्तमान में ये 2,140 रुपए की कीमत पर कारोबार कर रहा है। उनके पास टाइटन कंपनी के 4.4 करोड़ से भी अधिक शेयर है और मार्च 2022 तक कंपनी में उनकी कुल हिस्सेदारी 5.1% है। टाइटन से कमाई का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं और ये तो बस एक एग्जाम्पल मात्र है। 2006 में राकेश झुंझुनवाला ने दवा कंपनी ल्यूपिन में निवेश किया और तब उनकी औसत खरीद मूल्य 150 रुपए थी। आज ल्यूपिन 635 रुपए पर कारोबार कर रहा है। राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में कुछ और मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, जिनमें क्रिजिल, प्राज इंडिया और बिंदु फार्मा और NCC भी शामिल है। आपने वो किस्सा तो जरूर सुना होगा कि राकेश झुंझुनवाला ने कैसे 8 दिनों में ही 50 करोड़ रुपए बना लिए। ये वाकया था जी एंटरटेनमेंट और सोनी इंडिया के मर्जर का। झुंझुनवाला ने जी स्टॉक्स में पैसा लगाया था और महज 8 दिनों में कमाई 50 करोड़ के भी पार पहुंच गई। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन 10 स्टॉक्स के नाम जिनमें राकेश झुंझुनवाला के करोड़ों रुपयों का निवेश है। नंबर 10 फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, नंबर 9 NCC लिमिटेड, नंबर 8 मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नंबर 7 टाइटन कंपनी लिमिटेड, नंबर 6 इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, नंबर 5 प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड, नंबर 4 जुबिलेंट इंग्रेविया, नंबर 3 जियोजीत फाइनेंशियल लिमिटेड, नंबर 2 कैनरा बैंक और नंबर 1 पर आती है बिल केयर लिमिटेड, जिसमें झुंझुनवाला की 8.48% हिस्सेदारी है।